सुन मेरे भाई, अरे यार भैया, ये आपने क्या किया? मेरे ऊपर कीचड़ क्यों डाल दिया? छोटे, अभी पता चल जाएगा। देख, इसकी वजह से लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तेरी पहचान है तो सिर्फ इन पैसों की वजह से। आप गलत समझ रहे हैं भैया, लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, ना कि इन पैसों के सामने। समझ गए आप? खामखा मुझे भिगा दिया भैया आपने। और मैं तुझे जैसा बोलता हूँ वैसा कर, और अगर तूने वैसा नहीं किया जैसा मैं बोलता हूँ तो तेरा मेरी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। ठीक है भैया, अब देखते हैं आप जीतोगे या मैं। अबे ओ, ये क्या हालत बना ली है भाई। अरे भाई दूर रह मेरे से, स्मेल आ रही है तेरे से। यार मेरे भैया ना दिवालिया हो गए हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास अब। क्या दिवालिया हो गए भाई? इसका भाई दिवालिया हो गया। कैसे? यार मेरे भैया ना बैंक से लोन लिए थे तो पूरे तरीके से ना दिवाले हो गए भाई पूरे। मेरे पास कुछ नहीं बचा और भूख भी बहुत तेज लगी है, प्लीज कुछ खिला दो यहाँ से। भूख लगी है। चल जा भाई। यार तुम दोनों को मैंने कितना नहीं माना, तुम दोनों के पीछे लाखों रुपए मैंने खर्च कर दिए। क्या लाखों रुपए खर्च कर दिए? तो कोई एहसान किया है क्या? हमने भी तेरे पीछे समय खर्च किया। चल निकल यहाँ से। शायद तुम दोनों मेरा एहसान भूल गए हो। जब जब बोला दारू के लिए, मैंने यूं 5-5, 10-10 हज़ार की दारू यूं पिलाया है। हाँ चल, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब तेरा मेरा साथ यहीं तक था। चल निकल अब। क्या यार तू भी इस भिखारी के मुंह लग रहा है, जाने दे इसे। हाँ चल निकल, चल निकल यहाँ से। निकलना है, जा जा जा। चल भाई हम लोग को भी लेट हो रहा है। यार ये कुणाल है ना? हाँ, इसकी ये हालत कैसे हो गई? यार कुणाल, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हम लोग की फैमिली का दिवालिया हो गया। पागल है क्या? रातों रात कोई कैसे दिवालिया हो सकता है? भैया ने मेरे जमीन लिया था बैंक से 100 करोड़ का लोन लेके, बाद में पता चला वो जमीन सरकारी थी। और यही नहीं, जिससे हमने जमीन लिया था वो हमारा पैसा लेके फौरन भाग गया। So sad यार, कुणाल की फैमिली के साथ कितना बुरा हुआ। मैंने तुम लोगों को बहुत पैसे दिए थे, आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी कुछ मदद कर दो। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हमने तुम्हारी मदद कर भी दी तो तुम ये पैसे चुकाओगे कैसे? क्यों? मैंने तो तुम लोग के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरी फैमिली रिच थी, तुम लोग की फैमिली मिडिल क्लास, उसके बाद ही मैंने तुम लोग की मदद की है। अब तुम ना रिच रहे ना मिडिल क्लास, अब तुम एक भिखारी हो, जाके साईं मंदिर के पास भीख मांगो। क्या हुआ, इज्जत हुई? नहीं भैया। मैंने कहा था ना, लोग तुम्हारी नहीं तुम्हारे पैसों की इज्जत करते हैं। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, वरना यहाँ आपका सगा परिवार भी आपको नहीं पूछता। ये पैसा है, चाहे इसे कितना भी गंदा करो फिर भी चलता है। That's the power of money. अगर पैसों की कीमत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, और मांगने से पहले उसकी आंखों में ना नजर आएगा। सही कहा भैया आपने, मुझे पैसों की अहमियत आज समझ में आ गई है।